हमने अभी तक जितने भी बैंड्स को देखा है, जैसे कि मैड बैंड, मेगा बैंड, बैंड 23, किसी के पास भी टाइम पावर्स नहीं है। लेकिन भाई इयोन भी तो एक बैंड है, उसके पास टाइम पावर्स कैसे हैं? अब देखो, इयोन एक बैंड है, उसके पास भी एक ओमनीट्रिक्स है, तो वो उससे किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं होता है? इस वीडियो में हम इयोन को लेकर कई डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब देखो यार, डाउट्स को क्लियर करने से पहले मैं आपको इयोन के बारे में कुछ बता देता हूँ। अब देखो, मैं पावर एंड एबिलिटीज और वीकनेसेस की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ मेन पॉइंट्स की बात करूंगा जिनसे हम डाउट को क्लियर करेंगे। देखो यार, इयोन एक अल्टरनेटिव बैन है जिसके पास भी एक ओमनीट्रिक्स हुआ करता था और अभी भी है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा अभी उसमें क्या अंतर आ गया है। तो जब इयोन अपने ओमनीट्रिक्स का यूज करके एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ करता था, तब इयोन सबसे ज्यादा एक क्रोनियन नेम के एलियन स्पीसीज के एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ करता था। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अपने बेंटन भैया अपने चाइल्डहुड में यानी कि बचपन में फीडबैक का ज्यादा यूज करते थे, उसी तरह इयोन भी क्रोनियन नेम के एक एलियन स्पीसीज को यूज करता था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्रोनियंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई जो क्रोनियंस स्पीसीज थी वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, जिनका होमवर्ल्ड भी काफी ब्यूटीफुल था। लेकिन क्रोनियन स्पीसीज ने अपनी इंटेलिजेंसी और टेक्नोलॉजी का यूज बुरे कामों के लिए किया, मतलब कुछ विलन टाइप का। अपने इन्हीं कामों की वजह से क्रोनियन स्पीसीज अपने होम वर्ल्ड क्रोनिया को खो देती हैं, जिससे कि ये पूरी ही स्पीसीज डिस्ट्रॉय नहीं होती है, टाइम और स्पेस के बीच में भटक जाती है। तो अब बात करते हैं दोबारा से इयोन की। तो इयोन इसी स्पीसीज को सबसे ज्यादा यूज किया करता था, जैसे कि बचपन में अपने बेंटन भैया फीडबैक को करते थे। लेकिन क्रोनियन स्पीसीज का डीएनए एकदम घोस्ट फ्रीक के डीएनए के टाइप का ही है। भाई इन दोनों का डीएनए सेम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह क्लासिक सीरीज में बेंटन घोस्ट फ्रीक का ज्यादा यूज करता था और घोस्ट फ्रीक धीरे धीरे बेंटन पर हावी होने लगा था, मतलब कंट्रोल करने लगा था, लेकिन भाई ग्रैंडपा गोएन और बेंटन ने ऐसा होने नहीं दिया, इसलिए भाई घोस्ट फ्रीक की एक अलग ही पर्सनैलिटी बन गई। लेकिन यहाँ पर इयोन के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब बेंटन ने तो ग्रैंडपा गोएन के साथ मिलकर घोस्ट फ्रीक को अपने आप पर हावी होने से रोक लिया, लेकिन भाई इयोन ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो क्रोनियन एलियन पूरी तरह से इयोन पर हावी हो गया, यानी कि इयोन को कंट्रोल कर लिया। यानी कि आप जिस इयोन को देखते हैं वो इयोन है ही नहीं है, वो एक क्रोनियन है, क्योंकि भाई इयोन का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपका एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इयोन ह्यूमन और क्रोनियन दोनों ही स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो देखो यार, इयोन जब बैन था तो वो एक ह्यूमन था, लेकिन क्रोनियन बनने के बाद वो क्रोनियन स्पीसीज से भी बिलोंग करने लगा। और आपके मन में शायद एक और डाउट आ रहा होगा कि क्या पहले इयोन अच्छा था, यानी कि उस पर जब क्रोनियन ने कब्जा नहीं किया था तब इयोन अच्छा था? तो देखो यार, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि पहले इयोन अच्छा था। पहले इयोन अच्छा था या बुरा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब से क्रोनियन ने इसे कंट्रोल किया तब से ये बुरे काम करने लगा। तो अब बात करते हैं कि क्यों आखिर इयोन बेंटन, बेंटन 1000 और भी कई बेंटन्स के पीछे पड़ा है। अब देखो यार, जब क्रोनियन ने इयोन पर कंट्रोल कर लिया तब उस क्रोनियन ने अपनी स्पीसीज को वापस लाने के लिए फुल ट्राई किया, लेकिन भाई इसी बीच यानी कि इसी प्रोसेस में अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद उसे जरूरत थी हैंड्स ऑफ आर्म बटन की, जिससे वो अपनी स्पीसीज को वापस ला सकता था, लेकिन भाई ग्वेन, केविन और ग्रैंडपा ऐसा होने नहीं देते हैं और अपने बेंटन भैया इयोन को किसी और ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन में भेज देती हैं। इसके बाद इयोन भाई पूरी तरह से पागल हो जाता है और सोच लेता है कि बेंटन को खत्म करके ही रहेगा। इयोन को रियली में पागल मत समझ लेना, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो देखो यार, अब इयोन का मकसद था बेंटन को खत्म करके उसकी पावर को एब्सॉर्ब करके वापस यंग इयोन बनना, यानी कि इयोन ने सोच लिया था, यानी कि उस क्रोनियन ने सोच लिया था कि बाद में अपनी स्पीसीज और होमवर्ल्ड को जिंदा करेंगे, पहले इस बंदे को देखते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बार बार इयोन प्राइम टाइमलाइन में क्यों आता है, यानी कि अपने बेंटन भैया को तंग क्यों करता है। लेकिन हाँ, हर बार इयोन का मकसद बेंटन को तंग करना ही नहीं होता है, वो कुछ और मकसद से भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं आखिर इयोन के पास टाइम पावर्स कैसे आई। तो देखो यार, जब इयोन का ओमनीट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुआ था तब भाई उसने अपना दिमाग लगाया। अब देखो यार, क्रोनियन के पास काफी ज्यादा इंटेलिजेंसी होती है, इसलिए इयोन ने दिमाग लगाकर उसे एक टाइम वेपन में क्रिएट
कर दिया। वेपन बोलना गलत होगा, आप इसे एक इक्विपमेंट भी समझ सकती हैं, एक टाइम इक्विपमेंट। तो देखो यार, इस टाइम इक्विपमेंट या टाइम ओमनीट्रिक्स से इयोन टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे अपने पूरे सूट की जरूरत होती है, जैसे कि उसका हेलमेट और उसका सूट। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस लाइव एक्शन मूवी में इयोन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, हाँ भाई वही मूवी जिसमें हैंड्स ऑफ आर्म दिखाया गया था, जिसे ढूंढने के लिए इयोन ने क्या कुछ नहीं किया, जिससे इयोन अपनी स्पीसीज को वापस लाना चाहता था, लेकिन बेंटन ने ऐसा होने नहीं दिया और उसे एक अलग ही टाइमलाइन में भेज दिया। लेकिन भाई तब इयोन काफी कमजोर हो गया था, इसलिए भाई वो अलग अलग टाइमलाइन के बेंस की पावर को एब्सॉर्ब करने लगा। लेकिन अपनी प्राइम टाइमलाइन या मेन टाइमलाइन के बेंटन 1000 और बेंटन दोनों ही पावरफुल थे, इसलिए भाई बाकी सभी बेंस की तरह इयोन इन्हें कंट्रोल या फिर इनकी पावर एब्सॉर्ब नहीं कर पाया। तो क्या बिना अपने इक्विपमेंट्स के इयोन टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता है? तो हाँ भाई बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इससे इयोन काफी ज्यादा कमजोर और बूढ़ा हो जाएगा। तो देखो यार, मेरे ओपिनियन से तो शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई इयोन के पास क्रोनियन के साथ एक ह्यूमन एबिलिटी भी है, जिससे कि जब वो अपनी फिजिकल टाइम पावर्स का यूज करता है तो भाई उसकी ह्यूमन एबिलिटी पर टाइम पावर्स का इफेक्ट होता है, जिससे कि वो जल्दी बूढ़ा होने लगता है। और भाई मैं आपको बता दूं कि जो उसके पास इक्विपमेंट्स है जिनसे कि इयोन टाइम ट्रेवल करता है, उससे भी इयोन बूढ़ा हो सकता है, लेकिन इसकी स्पीड काफी स्लो होती है, इसलिए भाई इयोन इक्विपमेंट का ज्यादा यूज करता है। उस लाइव एक्शन मूवी के बाद इयोन काफी कमजोर और बूढ़ा हो गया था, लेकिन भाई अल्टरनेटिव बेंस की पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज और ओमनीवर्स सीरीज में इसे पावरफुल दिखाया गया है, क्योंकि भाई इसके पास अल्टरनेटिव बेंस की पावर है। तो अब बात करते हैं कि इयोन एक बेन है, तो उसका नाम इयोन क्यों है? जैसे कि मैड बेन, मेगा बेन, भाई इन सब में बेन जरूर लगा है, लेकिन इयोन का नेम सबसे अलग क्यों है? तो देखो यार, इयोन का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, इसलिए भाई इयोन का नाम ऐसा रखा गया है क्योंकि वो एक टाइम ट्रेवलर भी है जिसका कोई अंत नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बेंटन ने इसे कई बार डिस्ट्रॉय या डिफीट किया है, लेकिन भाई तब भी इयोन कमजोर जरूर हो जाता था, लेकिन भाई कभी मरता नहीं था। और हाँ, अगर आपका ये डाउट है कि इयोन वापस टाइम में पीछे जाकर भी तो अपने आप को ठीक कर सकता है, तो देखो यार वो क्रोनियन ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि भाई अब इयोन पर क्रोनियन का कब्जा है और वो कभी नहीं चाहेगा कि इयोन वापस से ठीक हो जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि जब क्रोनियन का होमवर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ था तब इयोन उस टाइम में पीछे जाकर भी तो अपनी स्पीसीज को जिंदा कर सकता है, तो देखो यार इससे काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एक तो जब वो टाइम में पीछे जाएगा तो वहाँ का इयोन भी स्पीसीज को वापस लाने का ट्राई कर रहा होगा, इससे अगर वो इयोन उसे वापस ला देता है तो भाई अर्थ डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं। अब मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर आपको टाइम के बारे में समझाने बैठा तो आप समझ पाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि इससे काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती थी, यानी कि ये सब इयोन के लिए इम्पॉसिबल था। तो अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि आखिर इयोन ओमनीट्रिक्स का यूज क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई उसका ओमनीट्रिक्स है ही नहीं, वो खराब हो चुका है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाँ, इयोन के हैंड्स पर एक ओमनीट्रिक्स जरूर है, लेकिन भाई वो अब एक टाइम इक्विपमेंट है, ना कि रियल वाला ओमनीट्रिक्स। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इयोन टाइम में पीछे जाकर उस ओमनीट्रिक्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता था, क्योंकि भाई पास्ट वाला बेन भी यानी कि इयोन भी तो अब एक क्रोनियन के कब्जे में था, तो हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जब इयोन का ओमनीट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुआ था तब इयोन एक क्रोनियन के कब्जे में था, लेकिन भाई जब वो इयोन उसे बचाने जाता यानी कि ओमनीट्रिक्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने जाता, तब आप सोच सकते हैं। अब क्या सोच सकते हैं? अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखो यार, जब ओमनीट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुआ तभी तो टाइम इक्विपमेंट बना, जब इयोन उसे रोक लेता तब भाई वो टाइम में पीछे कैसे जा सकता है? एक बार फिर से समझ लो। देखो यार, जब इयोन का ओमनीट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुआ था तब उसने उसे एक टाइम इक्विपमेंट में चेंज कर दिया था, जब उसी इक्विपमेंट की हेल्प से वो उस टाइम में जाता जिस टाइम उसका ओमनीट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुआ है और उसे रोक लेता, तब भाई टाइम इक्विपमेंट बनता कैसे? और जब टाइम इक्विपमेंट ही नहीं होता तो इयोन जाता कैसे? और भाई बात करें फिजिकल पावर्स की यानी कि फिजिकल टाइम पावर के यूज की, तो भाई ऐसा इयोन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इससे इयोन काफी पूरी तरह से कमजोर हो सकता था, और भी भाई इसके कई इफेक्ट हो सकते थे। अगर अब भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपना ओपिनियन कमेंट में हमें जरूर बताना। और मैं आपको बता दूं कि इनमें से काफी तो मेरी ही थ्योरी थी, इसलिए सीरियसली मत लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।